अफसरिया नाले को खोले जाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। सितारगंज क्षेत्र के ग्राम मलपुरी के किसानों ने उपजिलाधिकारी मुक्ता मिश्र को ज्ञापन सौंपकर अफसरिया नाले को खुलवाने की मांग की। वहीं मलपुरी के किसानों ने ज्ञापन में कहा कि मलपुरी ग्राम में राइस मिलरों ने अवैध रूप से नाला अफसरिया पर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे ग्राम मलपुरी की खेती की जमीनें एक डैम के रूप में परिवर्तित हो गई है। साथ ही किसानों ने अफसरिया नाले से अतिक्रमण को तत्काल हटाए जाने और अफसरिया नाले को खोले जाने की मांग की है। नव भारत समाचार सितारगंज से अनीस रजा की रिपोर्ट। एसडीएम साहब के पास कि हमारे मलपुरी गांव में राइस मिलर द्वारा उसमें चीन की एक दीवार बना दी गई, चार टीम उन्होंने इतनी बना दी कि हमारे 8 फीट पानी मलपुरी का वहां एकदम रोक दिया गया और अफसरिया नाले पर पूर्ण अतिक्रमण कर दिया, जिसके कारण मलपुरी डूब क्षेत्र में है और यदि अचानक पानी जाता है तो नीचे के गांव भी उनकी फसल सारी की सारी खराब होगी, यानी 100 हेक्टेयर जमीन और डूब के क्षेत्र में आएगी यदि अचानक पानी जब टूटेगा वहाँ से। और इसके लिए हमारे एसडीएम महोदय इस पर कार्रवाई करें। अभी तक कुछ दिन पहले भी आए थे तो एसडीएम साहब के कानों पर अभी तक कोई जू नहीं रही है यहाँ के, और तहसीलदार महोदय तो कह रहे हैं हम तो पानी नेशनल हाईवे के साथ जेबीसी से निकालने जा रहे हैं और नेशनल हाईवे के साथ में किसी को भी नहर खोदने का कोई अधिकार नहीं है। इतना बड़ा तो ये और कुकर्म करने जा रहा है यहाँ के जिला प्रशासन, और ये कि बिल्कुल अधिकृत नहीं है जिसके लिए। और लोक निर्माण विभाग को हमारा ये निवेदन लोक निर्माण विभाग से भी है, अपनी जमीन का वो अपना व्यवस्था सही करें। एक मिनट में चीनी मिल सितारगंज को तत्काल चलाया जाए जो बंद पड़ी। दूसरी है कि हमारा जो तीसरी किसानों का जो गन्ने ये गेहूं तोला गया है इसका भी भुगतान नहीं आया, वो भुगतान भी हमारा तत्काल किया जाए। गन्ना हमारा कब का बिक चुका है, गन्ने का भुगतान भी अभी बहेड़ी राइस मिल रहा सॉरी बाहर बहेड़ी गन्ना मिलने और आपकी बातपुर से हमारे अभी गन्ने के भुगतान नहीं हुए, ये भी हमारा सरकार से कहना है कि ये हमें तत्काल भुगतान किया जाए।